अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो आज का व्लॉग जो है वो कुछ इस तरह से स्टार्ट हुआ है कि मैं सुबह हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, अब्बू की मेडिसिन लेनी होती है तो इसलिए मैं अब्बू के साथ जा रही हूँ हॉस्पिटल, और उसके बाद हमें कुछ सामान लेना है क्योंकि घर पे आ रहे मेहमान, तो उस तरह से। और मुझे कुछ तैयारी करनी है, कुछ खाना वगैरह बनाना है, तो मैं आज आपसे एक रेसिपी भी शेयर करूँगी और इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है व्लॉग, सो मेरे साथ रहिए, वीडियो का एंड तक देखिए। सो हॉस्पिटल से होके हम लोग घर आ चुके हैं और घर पे यहाँ पे क्लाइंट आई हुई है मेरी बहन के पास मेहंदी लगवाने, वो उसको मेहंदी लगा रही है। मुझे अपनी स्किन केयर का भी ख्याल रखना है तो मैं अब करने वाली हूँ। सो आज जो है ये आप देख सकते हैं, ये है बेसन का फेस पैक, जो कि मैं आज बहुत टाइम बाद मैंने सोचा कि थोड़ी सी स्किन केयर की जाए क्योंकि मैंने बिल्कुल अपने आप को ढीला छोड़ दिया है। ना मैं अपने वेट पे कंट्रोल कर रही हूँ और ना स्किन केयर, ना कुछ भी मैं DIYs नहीं कर रही, लेकिन दिस इज़ माय फेवरेट जो कि मैं करती रहती थी और इससे मेरी स्किन काफ़ी अच्छी हो गई थी। सो डार्क स्पॉट्स वगैरह सब ख़त्म हो गए थे। सो अब मैंने सोचा कि दोबारा से हमने अपनी केयर स्टार्ट कर देनी चाहिए और अब तो मौसम भी ऐसा है कि हम कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें बेसन ऐड किया है मैंने, बेसन, हल्दी और रोज़ वाटर से हमने इसको मिक्स कर लिया। अगर आप चाहें तो मिल्क से, दही से, जिससे भी आप चाहें इसका मिक्सचर बना के अपने फेस पे अप्लाई करें, पूरी बॉडी पे अप्लाई करें, रोज़ करें, हफ्ते में दो बार करें, एज यू विश। सो ये बहुत अच्छा होता है, इससे हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। सो मैं तो आज से ये स्टार्ट कर रही हूँ, आप भी ज़रूर इसको स्टार्ट करें। स्किन केयर तो हो चुकी है, अब मैं बनाने वाली हूँ चिकन के कबाब, क्योंकि वैसे भी हम बना के रखते हैं या फ्रिज में। सो मैंने सोचा बना के आपसे रेसिपी शेयर कर लेती हूँ, जिसमें हमें इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे चिकन लिया है मैंने, इसको धो के हमने अच्छे से रख लेना है। गरम मसाला चाहिए हमें साबुत, एक अदद हमने आलू चाहिए, या अगर छोटे आलू हैं तो आप दो ले लें। लाल साबुत मिर्च चाहिए हमें, चने की दाल हमें चाहिए, ठीक है, और अदरक लहसुन चाहिए हमें बिल्कुल साबुत, एक अंडा चाहिए, और इसके अलावा जो है हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो सब आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए, चने की दाल मैंने ली एक बाउल, अंडा चाहिए, धनिया, पुदीना और हरी मिर्च चाहिए, ये है अदरक और लहसुन, नमक हमें चाहिए, और बस इन्हीं चीज़ों की हमें नीड है। ये लाल साबुत मिर्च जो है इसका हमने इस्तेमाल करना है। और ये अब मैं आपको ये शेयर करूँगी कि इसको हम किस तरीके से बनाएंगे। ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, मेहमानों के साथ आप सर्व करें, शाम में अगर कोई आपके घर आता है तो आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या आप ख़ुद भी खा सकते हैं, बहुत मज़े के ये बनते हैं। और आलू हमने इसलिए ऐड किया है कि मैं ऐड कर लेती हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है, अगर आप आलू नहीं ऐड करना चाहते तो आप ना ऐड करें, कोई इसमें इशू नहीं है। तो अब ये देखिए, ये चिकन है और ये गर्म मसाला, मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, आलू है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, नमक, अदरक लहसुन, चने की दाल, और उसके साथ जो है वो लाल साबुत मिर्च। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले जो है वो चिकन को ऐड कर देना है जिसमें हम बना रहे हैं, जिसमें हम पकाएंगे उसमें, उसके बाद हमने चने की दाल इसमें ऐड कर देनी है इस तरीके से, और फिर उसके बाद हम इसमें जो है, देखिए चिकन डाली हमने, फिर चने की दाल ऐड कर दी, और आलू जो हमने ऐड करना है, आलू अगर आप चाहें तो आप ना ऐड करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब आलू ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कबाब नरम भी हो जाते हैं, तो आप ना ऐड करें, इसमें आपकी मर्जी है। उसके बाद जो है हम लाल साबुत मिर्च हमें ऐड कर दी है, मैंने एक बाउल उठाया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसके अलावा फिर हमने ऐड करना है इसमें अदरक और लहसुन बिल्कुल साबुत हमने ऐड कर दी है, और इसके बाद जो है वो गरम मसाला साबुत हमने ऐड करना है इसके अंदर, और हमने सॉल्ट ऐड करना है टू टेस्ट, आपको जितना इसमें ऐड करना आप चाहें उतना आप ऐड करें, और उसके बाद जो है हमारे पास रह जाएगा अंडा और धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, इसको हम छोड़ देंगे, ये फिर जब ये पक जाएगा तो फिर। अब ये जो है कबाब हमने पकाने हैं, ये पानी इसका जैसे ही खुश्क हो जाएगा, जब आपको लगे कि चिकन जो है वो गल चुका है, आलू और दाल बिल्कुल अच्छे तरीके से गल चुके हैं, पानी इसका खुश्क हो गया, तो हम इसको सिल पे पीसेंगे। हम तो सिल पे पीसते हैं, आप किसी में भी पीसें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, सिल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब ये हमारा जो है बन के तैयार हो गया है कबाब का जो मिक्सचर है, जो अब हमने क्या करना है, अंडा और ये जो धनिया पुदीना वाला जो है, धनिया पुदीना हरी मिर्च, ये हमने इसमें ऐड कर देनी कबाब के मसाले में, और अंडा जो है वो हमने इसमें मिक्स कर लेना है, अंडा भी हम इसके अंदर ही मिक्स करेंगे ताकि जो है वो इसका अच्छा टेस्ट है। अगर आप चाहें तो बाहर से भी इसको लगा के फ्राई करें, लेकिन चिकन की कबाब है तो हम इसके एक साथ ही मिक्स कर लेंगे, और अगर आपको अंडे की नीड है तो आप यूज़ करें, वरना आप ना यूज़ करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग, बहुत नरम हो जाता है फिर इसका जो
मसाला है। तो ये जो है कबाब का मसाला तैयार हो गया है और ये देख सकते हैं हमने, आप जिस तरह का शेप चाहते हैं आप वैसे कबाब बना सकते हैं। सो हमने अब इसको फ्राई करना है और हो गए कबाब तैयार। बहुत मज़े के बनते हैं कबाब, आप ज़रूर ट्राई करें इसको। उसके बाद अब जो है वो हम जा रहे हैं कुछ और सामान हमने लेने हैं वो लेने के लिए। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पे और हमने लेने हैं यहाँ से टिक्के, बूटियाँ वगैरह, हमने कबाब कुछ यहाँ से भी ख़रीदने हैं क्योंकि मेहमान होंगे और घर पे भी माशाल्लाह अफराद हैं, तो हमने कुछ बाहर से भी ख़रीदना है। कबाब तो वैसे ही हमने घर में बनाए हैं और भी बाकी चीज़ें जो कि मैं आपसे शेयर कर लूँगी अगर किया मैंने इस वीडियो में। तो हम यहाँ पर आए हैं टिक्का वगैरह लेने के लिए और मैं वो ले रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत मज़े के लग रहे हैं, मुझे तो बहुत भूख भी लग रही है। तो हम यहाँ से लेंगे टिक्का बूटियाँ और बाकी की चीज़ें, उसके बाद हम जाएंगे घर और फिर मुझे चाय भी बनानी है और भी बहुत सारे काम है, तो वो सब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। सो ये हमने ले लिया है और अब हम जाएंगे घर। घर आते ही जो है मैंने बनाई है चाय, और चाय आप देख सकते हैं कड़क चाय दूध पत्ती ये बन चुकी है। हम ये सर्व करेंगे अपने मेहमानों को, मैं भी पीऊँगी और उसके बाद हम मंगवाएंगे आइसक्रीम फूड पांडा से। अब हमने मंगवाई है आइसक्रीम फूड पांडा मार्ट से, तो अब हम इसको देखेंगे। मैं खोल के दिखा देती हूँ, खोलो। जल्दी से खोल लो, ये देखें। तो ये हमने मंगवाई है फूड पांडा मार्ट से और ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमने पैसे देके मंगवाया है। सो अब यहाँ बच्चे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं। सो आपने मेरा व्लॉग देखा, आपको पसंद आया होगा, रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। जो आपको नहीं समझ आया वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो इसको शेयर करें, लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दुआओं में याद रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटते रहें और इनका डांस देखें, मेरी वीडियो को इंजॉय करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।